कोरोना महामारी के हमीरपुर में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के मद्देनजर जहां एक ओर प्रशासन आए दिन बचाव के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं समाज सेवी संस्थाएं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के द्वारा भी प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर में सैनिटाइजेशन के लिए ऑटो के अंदर 500 लीटर की टंकी सहित मोटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का अभियान शुरू किया गया। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि कोविड महामारी के चलते आज हमीरपुर बाजार में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना बीमारी शुरू हुई है तब से लेकर पंचायतों में भी सैनिटाइजेशन के अलावा जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई है। सैनिटाइजेशन बैन आज हमारी जो संस्था है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब, उसकी तरफ से आज हमने इसका शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है कि प्रशासन के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस समय, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ये जो बीमारी है महामारी है फैल रही है, तो उनके जो छोटे कस्बे जो बाजार हैं उनको हम भी साथ साथ असंक्रमित करते जाएं, उनको सैनिटाइज करते जाएं, तो इसके लिए हमने ये स्वचालित जो है इसमें हमने मशीन रखी है और 500 लीटर की टंकी रखी है ताकि हम जितना हो सके पूरा हमीरपुर ज़िला के हर बाज़ार या जो भी कस्बे हैं छोटे उनको हम जो है सैनिटाइज कर सकें। और मुख्य एम यही है कि हम जैसे भी हो संक्रमण को बचाएं और लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता लाएं कि भैया कोई महामारी फैली हुई है, इसमें दूर रहना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है और मास्क को लगाना बहुत ज़रूरी है। वो तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी ये महामारी से हमें हमारी जनता को जो है वो मुक्ति नहीं मिल जाती है।